विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस किसान के पास अगर अधिक जमीन ना हो और थोड़ी बहुत जमीन हो, तो उस थोड़ी बहुत जमीन के अंदर भी टेक्निकल खेती व जैविक खेती करके वो अधिक मुनाफा कमा सकता है। जैसे कि हमारे जयपुर जिले के अंदर सुबरमपुरा गांव के रतन जी है, और ये बहुत ही टेक्निकल खेती करते हैं और जैविक खेती करते हैं। खेती के अंदर खर्चा बहुत मामूली करते हैं, परंतु इनकी जो खेती है वह देखने लायक है। तो रतन जी के पास पूरी टोटल जमीन 1.5 एकड़ खेत है पूरा इनके पास। तो 1.5 एकड़ के अंदर रतन जी ने सबसे पहले, ये देख रहे हो आप मेरे किसान भाइयों, ये मिर्ची की फसल लगाई इन्होंने थोड़ी बहुत। तो इनकी मिर्ची फ्लोरिंग पर रहा है और बहुत ही बढ़िया आज की तारीख में मिर्ची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुछ बेड ड्रिप सिस्टम से ये धनिया का लगाया था इन्होंने। देखो ये जो धनिया है, ये तो धनिया लगाया था इन्होंने, और ये जो आप बेड देख रहे हो, ये ड्रिप की जो पाइप बिछी हुई है, इस पाइप के ऊपर वाली बेड है, इसके ऊपर भी धनिया इन्होंने लगाया था। और ये जो धनिया है, तो इन्होंने धनिया लगाने से पहले साथ के अंदर कुछ बैंगन के पौधे रुपाई कर दी थी, बैंगन की पौध की रुपाई कर दी थी इन बेड़ों के अंदर, आप देख रहे हो। तो ये बैंगन के पौधे हैं, तो इन्होंने क्या किया, धनहा तो काट लिया, और धने काटने के बाद में धनिया को काट के बाजार में इन्होंने मंडी में बाजार में बेच दिया, और धनिया काटने के बाद में इनकी ये बैंगन की फसल सुरक्षित रह गई। तो धनिया तो कट गया अब इनका, और ये बैंगन की पैदावार ले लेंगे। तो इसी के साथ इन्होंने कुछ पालक है थोड़ा बहुत, तो मेरे किसान भाई आप देख रहे हो ये पालक भी इन्होंने लगा रखे हैं थोड़े। और इसी के साथ जो ये टमाटर की फसल है, ये टमाटर की फसल भी इन्होंने लगा रखी है। तो इनकी ये जो फसल है टमाटर की, ये थोड़ी अजेती है, और टमाटर भी इनका चालू हो गया है। और रतन जी का इनका कहना है कि जैविक खेती अगर कोई करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैविक खेती उसे कहते हैं कि छड़ी गली जो भी खाद होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद जमीन के अंदर देना चाहिए, जिससे उर्वरकता शक्ति बढ़े। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपके पास जमीन कम है, तो रतन जी का क्या है कि थोड़ा सा ये है, ये रंजका है, ये जो रंजका लगा रखा है गाय भैंसों के लिए थोड़ा बहुत, तो कम खेती के अंदर 1.5 एकड़ खेत के अंदर भी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो आपके लिए फिर मैं लेकर आऊंगा, और आप मेरे इस वीडियो को अनेक किसानों से शेयर करें, जिससे भारत के अंदर जैविक क्रांति उत्पन्न होए, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके जो बगल के अंदर बेल घंटी है उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।